जमुदी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स में प्यारी प्यारी संगत जी आप सभी का स्वागत है। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है जल्दी से आपके स्क्रीन पर आ सके। तो प्यारी संगत जी आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते हो। तो चलिए सुनिए गुरु जी महाराज जी के बारे में ऐसी 10 रोचक बातें और उन्हें आगे भी शेयर कीजिएगा और भी संगतों के साथ, नई संगतों के साथ जो अभी तक गुरु जी से नहीं जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं या यूँ कह लो संगत जी कि वो अभी तक गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो आगे सुनिए आज की वो 10 बातें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी आज मैं आपके साथ साझा करूंगी हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का नाम। तो क्या संगत जी आप जानते हैं हमारे प्यारे गुरु जी का नाम क्या है? तो संगत जी हमारे प्यारे गुरु जी का नाम है संत निर्मल सिंह। और अगर आप संगत जी शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ोगे तो उसमें भी संत निर्मल सिंह के नाम की चर्चा है, जिक्र है कि एक ऐसा महापुरुष धरती पर आएगा जो धरती का कल्याण करेगा। और वो जब धरती पर आए तो दुनिया का कल्याण करके अपना शारीरिक चोला छोड़ के एक रूहानी शक्ति इस धरती पर छोड़ गए हैं। और हमारे प्रिय प्यारे गुरुजी महाराज जिनका नाम संत निर्मल सिंह जी है, उन्होंने कहा कि मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा और हमेशा अपनी संगतों के साथ वो हर पल रहते हैं। प्यारी संगत जी, जब गुरुजी छोटे थे तो अपनी माँ के साथ एक गुरुद्वारे में गए और गुरुद्वारे में जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे तो उनके एक इशारे पर ही सारी मछलियां उनके पास आ गई। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे। गुरुजी के पास बचपन में ही संगत जी इतनी शक्तियां थी। संगत जी, जब गुरुजी ने बड़े मंदिर का निर्माण कराया तो और शिवलिंग रखने के लिए कहा तो मिस्त्री बोले कि गुरुजी महाराज शिवलिंग बहुत भारी है, ये बिना नींव के नहीं रखा जाएगा। तो गुरुजी महाराज बोले अभी मैं इसमें शक्ति डालता हूँ। तो मिस्त्रियों को फिर से उन्होंने छत पर भेजा कि ये शिवलिंग स्थापित करो। तो जैसे ही मिस्त्रियों ने शिवलिंग स्थापित किया तो वो शिवलिंग स्थापित हो गया और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक वो शिवलिंग कभी टस से मस नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बचपन में जब गुरुजी अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे तो उन्हें अच्छे बुरे समय का पहले ही बता देते थे। और जब रिश्तेदार पूछते थे कि भाई आपको कैसे पता चला, तो गुरुजी बोलते थे कि मैं सब जानता हूँ और हल्के से मुस्कुरा देते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी पुरानी संगतों ने गुरु जी के शिव रूप में दर्शन किए हैं और वो बोलते थे कि ये संत निर्मल सिंह एक आम पुरुष नहीं है बल्कि ये एक महापुरुष है जो संसार में हमारे कष्टों को काटने आए हैं। एक बार इनके इस अलौकिक रूप के दर्शन उनके एक दोस्त ने किए थे और वो हैरान हो गया था इतने प्रकाश को देखकर और कितने दिनों उन्हें ये देखकर नींद ही नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मिस्त्री ने बताया कि शिवलिंग पर उन्हें बार बार गुरुजी के दर्शन होते हैं तो सुनने वालों ने उन्हें बोला कि ये आपका वहम है, शिवलिंग पर भला कैसे गुरुजी के दर्शन हो सकते हैं। तो फिर मिस्त्री ने उन्हें बहुत सारे सबूत दिखाए जिससे ये बातें सब सच साबित हुई कि गुरुजी का रूप उस शिवलिंग में भी दिखता है जो कि आज भी मंदिर के ऊपर स्थापित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्कूल में अर्थशास्त्र के अध्यापक की पत्नी को ऑपरेशन से बचाना भी एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चमत्कार था। और संगत जी, जब गुरु जी अपने स्कूल में जाते थे तो बहुत ही शरारतियाँ करते थे, बच्चों के पेन में फूंक मारकर स्याही भर देते थे। तो यही बात जब अध्यापक ने सुनी, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल था उन्होंने सुनी, तो उन्होंने उन्हें बुलाया कि इधर आ, मैंने सुना है कि तू खाली पेन में भी स्याही भर देता है। तो गुरुजी ने उनके हाथ से खाली पेन लिया और फूंक मारी तो उसमें स्याही भर दी और प्रिंसिपल भी हैरान चकित रह गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी अपने पिंड डोगरी में रहते थे तो जब उनके दरबार पे संगतें आना शुरू हुई तो गुरुजी अपने हथेली से उन संगतों को थोड़ा सा हलवा प्रसाद देते थे जो कि संगतों के पास जाते ही पूरी हथेली उनकी भर जाती थी और संगतें बताती थी आज भी। और जब मैं भी संगत जी डुगरी गई थी तो मुझे भी काफ़ी सारे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो गुरुजी महाराज एना जिया कड़ा प्रसाद देंदे सी और एना हो जाता सी, यानी कि गुरुजी उनके हाथ में थोड़ा सा कड़ा प्रसाद
रखते थे और वो कड़ा प्रसाद बढ़ के बहुत सारा हो जाता था, जिसको खाने से बहुत सारी रोग बीमारियां दूर होती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जिन्हें हमें रिचुअल से दूर रखा, भामों से दूर रखा और हमेशा एक ही पाठ पढ़ाया कि कभी भी किसी की आंखों का आंसू मत बनो, हमेशा हर एक के चेहरे की खुशी बनो। तो संगत जी, इस तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी गुरु जी महाराज की बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर मैं सुनाना चाहूँगी तो पूरा ही दिन निकल जाएगा। तो संगत जी, आइए, कुछ बातें मैंने आपसे साझा की हैं गुरु जी के हुक्म से, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दीजिएगा और गुरु जी की इस जर्नी में आप भी आगे बढ़िएगा। गुरु जी महाराज जिसका संगत जी एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका बेड़ा पार जरूर होके ही रहता है। इस जिंदगी में, इस गौर कलयुग में एक गुरुजी ही महाराज एकमात्र ऐसे भगवान हैं, ऐसे शिव के अवतार हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए संगत जी कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों को अपनाना है और वो चीज़ें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, सत्य, खुशियाँ, प्रसन्नता, अच्छाई और सतमार्ग पर की राह पर चलना। तो ये सब बातें अपनाकर आप भी गुरुजी के हो सकते हैं। निंदा चुगली का त्याग कीजिए और अच्छाई पर चलिए। तो जल्दी से आप भी जय गुरुजी लिखकर अपनी अपनी हाजिरी लगा दें। तो मैं फिर किसी नई वीडियो में मिलूंगी और फिर से एक बार आपसे कह रही हूँ कि अनुराधा आंटी के साथ आप भी इस जर्नी में शामिल हो जाएं, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना गुरु जी। मेरी गलतियां गुनाह माफ़ करना गुरु जी, और मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ाते रहना और हमेशा मेरे अंग संग रहना, और जितने भी संगते आपकी ये वीडियो देख रही हैं उन सभी को ब्लेस करना, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां देना। जय गुरु जी।